और लोग समझते हैं इस बात को कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके तीसरा कार्यकाल पूरा कर लिए तो इस देश की एक बड़ी आबादी के साथ बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। तो हो सकता है ये देश का आखिरी चुनाव हो। कोरोना में उनके समाज के भी लोग मर रहे थे, जो कह रहे थे उनका विरोध कर रहे थे, तो उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध अगर उनकी जात का विरोध है तो उनको भी याद रखें, मेरे मित्र रामेंद्र शुक्ला जी भी उसी कोरोना काल में खत्म हुए अवस्था के लिए थे। तो हमने अगर किसी के खिलाफ संविधान के खिलाफ कोई बात कही होती तो अब तक मेरी भी शिकायत होती, मेरे ऊपर भी कार्रवाई होती। मैं आपको बता दूं एक बात पंकज जी, मैं आज तक दिल्ली नहीं गया टिकट को लेके। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा, ईमानदारी से कह रहा, मैं दिल्ली नहीं गया, लेकिन मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व, मेरा प्रदेश नेतृत्व मेरे काम समझ रहा था। उसे कई बार मेरे प्रदेश नेतृत्व ने कहा दिल्ली से नेतृत्व के बात आई कि अकेले आपका नाम है। अब बीच में ये घटनाक्रम कैसे हुआ मैं नहीं कह सकता हूँ। As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू तेल से ही मिलेगा यहीं। सीतापुर संसदीय सीट से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी राकेश राठौर को लेकर एक संयुक्त बैठक हुई है समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर, और सीतापुर से प्रत्याशी राकेश राठौर हमारे साथ मौजूद है। हमने देखा कि आपकी जो शुरुआत हुई है महापुरुषों से लेकर पार्टी के नेताओं पर माल्यार्पण करने से, क्या लगता है कैसे मुकाबला करेंगे आपके पुराने पार्टी के मुकाबले हैं राजेश वर्मा जी? देखें पंकज जी, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ, हमको मुकाबला नहीं दिखता। जब लोग मन बना लें और लोग ये मन बना लें कि बदलाव करना है, लोग 20 साल से सांसद विहीन थे और मेरा संघर्ष लोगों के बीच है, मेरा 5 साल का कार्यकाल लोगों के बीच का है कि मैंने पूरे दिल से इस रिश्ते को जिया है, और दूसरी तरफ सब जग जाहिर है कि अभी तक सीटों की सेटिंग गटिंग करके, टिकटों की सेटिंग गटिंग करके अपने अनुकूल वातावरण बना के वो चुनाव जीतते रहे, लेकिन इस बार परिस्थितियां भिन्न हैं। बड़ी तादाद में मतदाता मन बनाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे, इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके के वंचितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, कमजोर तबके को मुख्य धारा में लाना चाह रहे हैं, उसके प्रति एक बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार हुआ है जो आकर्षित हुआ है। और लोग समझते हैं इस बात को कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके तीसरा कार्यकाल पूरा कर लिए तो इस देश की एक बड़ी आबादी के साथ बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। तो हो सकता है ये देश का आखिरी चुनाव हो, तो इसलिए वो पूरे मतदाता, पूरी जनता प्राण प्रतिष्ठा लगा के इनको हटाने के लिए प्रयासरत है। और मैंने तो इतनी कल्पना नहीं की थी, अभी आज शायद तीसरा दिन है मेरा, रात में 8:30 बजे पट्टी चली और 8:30 बजे से लेकर आज तक मैं 1 मिनट भी मेरा हम फ्री नहीं हो पाए। इतना उत्साह लोगों में है, इतनी सहानुभूति है, इतना प्यार है कि मैं इस बात को उम्मीद नहीं किया। जहाँ कार्यकर्ता साथी स्वयं में अपने आप में कैंडिडेट बन के चुनाव लड़ने लगे, अपने नेता के सपने को पूरा करने लगे, वहाँ कोई चुनाव नहीं बचता। राकेश जी, 2014 और 2019 के चुनाव के बाद जो अब चुनाव हो रहा है उसमें क्या अंतर पाते हैं? 2000 का चुनाव इन्होंने पहले से इतना वातावरण तैयार कर लिया था झूठे वादे करके,
कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देके लोग समझ नहीं पाए इनकी बात। और 2014 में जब इनको सत्ता मिली तो इन्होंने अपने वादों की झड़ी लगा दी, मेट्रो सिटी, तमाम चीज़ें, आदर शहर, तमाम चीज़ें, किसान की आय दोगुनी, गंगा सफाई। लेकिन 14 से 19 के बीच वो धीरे धीरे इनकी कलई उधड़ने लगी, और जब कलई उधड़ने लगी तो पुलवामा कांड कराया गया। ये पूरी दुनिया और देश के अंदर ये अनोखा कांड है जिसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, जांच नहीं है। उसमें इन्होंने सैनिकों की शहादत पे पुनः सत्ता प्राप्त करने का घिनौना कृत्य किया, लेकिन इस बार इनकी सारी बातें बेनकाब हो चुकी हैं और लोग जान चुके हैं कि सत्ता पाने के लिए किस हद तक उतर सकते हैं। तो लोग इस बार मन बनाए हैं कि कोई भी हथकंडा अपनाए लेकिन इस बार सत्ता में आना नहीं। कोविड में आपने एक ऐसे विधायक, जब भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए विधायक, जो उन्होंने कोविड को लेकर जो प्रचार कर रहे थे थाली बजाने का, ताली बजाने का, उसका खुलकर आपने विरोध किया था, अब क्या लगता है वो विरोध सही था? जिस समय देश में लोग इलाज के अभाव में मर रहे थे, लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर बिलख रहे थे, हजारों किलोमीटर महिलाओं ने अपने नवजात शिशुओं को, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके चली पटरियों के रेल ट्रैक पे, पैरों में मैंने खुद देखा, पैरों में छाले पड़े और फट गए, कपड़ा बांध के चले थे, पीने का पानी नहीं था, खाने का नहीं था। ऐसी अव्यवस्था के बीच और पूरी इतनी बड़ी त्रासदी के बीच प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य थे वो बेहद निराशाजनक थे और बेहद अजीब और गरीब थे। जैसे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों का, कोरोना कर्मियों का स्वागत थाली थाली बजा के किया जाए। मैं समझता हूँ जिस समय गंभीर अनुसंधान इलाज की आवश्यकता थी, लोगों के स्वास्थ्य के साथ चिंतन करने की जरूरत थी, उस समय वो थाली थाली बजवा रहे थे। पूरी दुनिया में कोई हमको नहीं देश ऐसा लगता है, ऐसा राजनेता नहीं लगता है जो इतनी गंभीर त्रासदी में इस तरीके का हास्यास्पद निर्णय ले। तो मैंने उनका विरोध किया। ये बताइए, कुछ ऑडियो भी आपको लगते हैं फिर आपके चुनाव प्रचार के दौरान वो लोग उपयोग करेंगे जो आपके ऑडियो वायरल हुए हैं, जिसमें ये साबित करने का प्रयास होगा कि आप ब्राह्मण विरोधी हैं, क्षत्रिय विरोधी हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? इस देश में संविधान अभी भी लागू है और यदि हम किसी के विरोध की बात किए थे तो आज तक मेरे खिलाफ कोई शिकायत होती? मैंने बहुत बार आप लोगों के मार्फत सुना कि ये विरोध वो विरोध, अक्सर ये ऑडियो वो ऑडियो, लेकिन मुझको वो ऑडियो तक सुनने नहीं मिली जिसमें मैं विरोध करता दिख रहा हूँ, और आपके चैनल पे भी नहीं चलती दिखी। तो मैं तो चाहूँगा, आप पत्रकारिता जगत में बहुत चमकते हुए सितारे हैं, तो आपके चैनल से ही हमको पता चल जाए मैं कौन सी ऑडियो में विरोध कर रहा था। अगर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा था, उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी का विरोध के कारण उनका विरोध हो गया, तो ये उनकी नादानी है। कोरोना में उनके समाज के भी लोग मर रहे थे जो कह रहे थे उनका विरोध कर रहे थे, तो उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध अगर उनकी जात का विरोध है तो उनको भी याद रखें, मेरे मित्र रामेंद्र शुक्ला जी भी उसी कोरोना काल में खत्म हुए अवस्था के लिए थे। तो हमने अगर किसी के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कोई बात कही होती तब तक मेरी भी शिकायत होती, मेरे ऊपर भी कार्रवाई होती। ये जो आपके प्रतिद्वंदी है, चार बार के सांसद हैं और फिर से मैदान में है, वो कहते हैं 5 लाख से ज्यादा जीतेंगे, आपको माइनस कहाँ लगता है उनका? उन्होंने आपने खुद नहीं, आपने उस बात को रिपीट किया, पहले चलाए हैं आप, देख लीजिएगा आप रिवर्स करके। उन्होंने कहा 4 लाख पार, तो हम बार बार उनको बधाई दे रहे हैं और हमारे साथी कार्यकर्ता सब खुशी मना रहे हैं। 6 लाख के वोट पर तो वोट हमको मिल ही रहा है और 4 लाख के ऊपर खुद ही स्वीकार कर लिए, तो ये उनकी ईमानदारी के लिए हम उनकी कृतज्ञता भी ज्ञापित करेंगे। अखिलेश यादव जी का आप आशीर्वाद ले आए, पूरा मिल गया, क्या कहा उन्होंने? देखिए, ये गठबंधन का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिल के चुनाव लड़ेगी। अखिलेश जी भी हमारे नेता हैं और पीडीए के नारे को लेके बहुत संघर्षरत हैं, मेरी उनसे बात अक्सर होती रहती है और मैं अभी भी परसों उनसे मिला था। पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ा रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ भी, मैं आपको बता दूँ एक बात पंकज जी, मैं आज तक दिल्ली नहीं गया टिकट को लेके, मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा,
ईमानदारी से कह, मैं दिल्ली नहीं गया, लेकिन मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व, मेरा प्रदेश नेतृत्व मेरे काम समझ रहा था और चाह रहा था कि मैं चुनाव लड़ूं। मुझसे कई बार मेरे प्रदेश नेतृत्व ने कहा, दिल्ली से नेतृत्व के कहा था ही कि अकेले आपका नाम है। अब बीच में ये घटनाक्रम कैसे हुआ मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो अकेला नाम रहा। उन्होंने हम पे विश्वास जाहिर किया है, हमारे नेताओं का आशीर्वाद, कांग्रेस पार्टी के समस्त नेताओं का आशीर्वाद, अखिलेश जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। सबकी निगाहें इस बात पर लगी हैं कि राकेश राठौर जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए आपने विरोध करना चाह कर दिया, सत्ता में रहते हुए केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार और आपने पार्टी छोड़ दी। जब आप चाहे जिस पार्टी में आए और आप टिकट झटक लाए, अब लोगों की निगाहें हैं आपके प्रतिद्वंदी हैं राधेश्याम जायसवाल, उनको मनाने के प्रयास करेंगे, उनको अपने पाले में ला लेंगे। मेरा मोबाइल उठा लीजिए, कल भी मेरी माननीय विधायक जी से बात हुई है, उन्होंने कहा मैं लखनऊ में, शाम को मैंने बात की तो उन्होंने कहा लखनऊ में और स्वास्थ्य नहीं ठीक नहीं तो मैं जरूर रहता। और नरेंद्र जी से मेरी अक्सर बात हुआ करती है, मंत्री जी से, वो दिल्ली किसी जांच को लेके गए हैं, उन्होंने बताया था कि 12 तारीख को आऊँगा तो मैं बैठूँगा और स्वास्थ्य को ना देखते हुए भी मैं पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूँगा। तो सबका साथ है, कहीं कोई विरोध नहीं, सबकी एकजुटता है। बिल्कुल आखिरी मेरा सवाल, रा नाम वालों का भाग्य उदय है, जितने जिनके नाम के आगे रा लगा है वो विधायक और सांसद ज्यादा बने हैं सीतापुर में, MLC से लेकर विधायक सांसद, फिर तुला राशियों वाले के बीच में चुनाव है, क्या लगता है आपने दिखाया भाग्यवागी कुछ, किसका जोरदार है? देखे वैसे तो मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर रास की बात करें तो मेरे साथ डबल है, मैं राकेश राठौर दो बार रहा है तो डबल है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि असर तो रहेगा। बिल्कुल, देखिए बड़ी बेबाकी से राकेश राठौर ने बातचीत की और पूरी बात रखी, कैसे उनका चुनाव मजबूत है, कैसे वो हावी हो रहे हैं और अपने प्रतिद्वंदी को भी, या जो राजनीति में कहते हैं दूसरे प्रतिद्वंदी हो जाते हैं उनको कैसे मनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल उनका कहना है कि उनके नाम के आगे दो राह लगी है, इसलिए वो डबल हैं और ये चुनाव वो जीतेंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।